नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। भाजपा और जदयू के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष संतोष रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंदिर में चप्पल पहने हुए एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि जदयू के प्रवक्ता ये फैसला कर ले कि पहले वो नीतीश कुमार के तलवे चाटेंगे या चप्पल। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि या तो ये पूरी तरीके से सेक्युलर हो गए हैं या फिर भगवान से ऊपर। मोतिहारी के गांव में लगेगी स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर की आदमकद प्रतिमा। मोतिहारी में चंपारण के संघर्ष नायक कमला मिश्र मधुकर की आदमकद प्रतिमा लगाई जा रही है, जिसका आवरण करने सीएम नीतीश कुमार 13 अक्टूबर को मधुकर के गांव मोतिहारी के मदन सिरसिया में आएंगे। बता दें, इसके साथ ही स्मारक भवन का भी निर्माण किया जाएगा। कमला मिश्र मधुकर गरीबों के हक की लड़ाई की आवाज के लिए जाने जाते हैं। पप्पू यादव ने किया ऐलान, बिना सेवा के सियासत नहीं चलने देंगे। न्यूज फॉर नेशन को दिए अपने एक साक्षात्कार में जा प्रमुख पप्पू यादव ने सत्तारूढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैं ट्विटर ट्रेंड तो नहीं जानता, मगर राजनीति का ट्रेंड बखूबी जानता हूं। बिना सेवा के सियासत का ट्रेंड बिहार में नहीं चलने दूंगा। जिसे भी राजनीतिक मुकाम चाहिए, उसे पहले सेवक बनकर लोगों की सहायता करनी होगी। सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के सियासत को श्रद्धांजलि देने का वक्त आ गया है। बिहार में बाढ़ में खुल रहे गठबंधन के पोल। बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने एनडीए के घटक दलों में चल रही टूट पर बड़ी बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में आई बाढ़ व जल जमाव ने सरकार के दोस्ती दलों की सच्चाई को सामने ला दिया है। इस मुश्किल की घड़ी में भी बीजेपी नेताओं को अब अगले वर्ष आने वाले चुनाव की राजनीति ही नजर आ रही है, जबकि जनता को सब कुछ पता हो चुका है। यह जनता को सरकार की विफलता से ध्यान भटकाने वाले प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जदयू एवं भाजपा ये दोनों विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन है, जिसकी गांठें अब खुलती नजर आ रही है। सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे सांसदों पर होगी सख्ती। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने लूटी दिल्ली के सरकारी बंगलों में रह रहे उन सांसदों को सरकारी आवास से बाहर निकालेगी जो अपना कार्यकाल खत्म होने के बावजूद सरकारी बंगलों में धौस जमाए बैठे हैं। संपदा विभाग ने सरकारी आवास के आवंटन की पात्रता नहीं रखने वालों से आवास सख्ती से खाली कराने के लिए संशोधित सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत सख्ती से बेदखली का काम शुरू कर दिया है। पप्पू यादव ने एक बार फिर सरकार पर कसा तंज। जा प्रमुख पप्पू यादव ने सत्तारूढ़ एनडीए की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश के सभी नेता रावण और कंस है, रावण दहन से पहले इनका दहन कर देना चाहिए। इसके अलावा पप्पू यादव ने यह भी कहा कि लोगों को अहंकार और बुरे विचार जैसे बुराइयों को त्याग करना चाहिए। आपको बता दें, इन दिनों पप्पू यादव बढ़ चढ़कर बाढ़ प्रभावितों की सहायता कर रहे हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से चेताया। राजधानी में जलजमाव की समस्या से परेशान लोगों की चिंता कर रहे नेताओं के बीच आए दिन कहासुनी हो रही है, जिसके अंतर्गत पार्टी दलों ने एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजियां भी की है। अब इसी के दौरान एक दूसरे की पोल भी खोलने में लगे नेता काफी मग्न दिख रहे हैं, जिसके एक उदाहरण है गिरिराज सिंह ने लगातार सीएम नीतीश पर तंज कसा है। तो इस बयानबाजी को स्पष्ट करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने इसके बारे में कहा है कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से सरकार के खिलाफ की जा रही बयानबाजी ठीक नहीं है, इससे गठबंधन कमजोर हो सकता है। पप्पू यादव ने पीएमसीएच पहुंच लोगों का हालचाल लिया। बता दें, इन दिनों बिहार के मशहूर गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह पटना के पीएमसीएच में हैं, जिसके दौरान जन अधिकार पार्टी के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पीएमसीएच पहुंचकर उनका हाल लिया, जिसके दौरान उन्होंने उनके परिजन को आर्थिक सहायता भी दी। पप्पू यादव ने उनके परिवार से कहा कि वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार के लिए गौरव है, जिसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा उनकी प्रतिभा को अनदेखी करना दुर्भाग्य बताया। दहन से पहले जमीन पर गिरा था रावण। दुर्गा पूजा की समाप्ति होने को है, जल्द ही माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी कर दिया जाएगा। इसी बीच दशहरा के मौके पर पटना वासियों को बेसब्री से रावण दहन का इंतजार था। समूचे बिहार में रावण दहन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही रावण का बना ढांचा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि ढांचे को रात भर में एक बार फिर से दोबारा खड़ा कर दिया गया था। नकली लालू पहुंचे राबरी आवास पर, आवाज सुनकर सभी रह गए दंग। बीते दिनों अचानक राबरी आवास पर लालू यादव की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अवाक रह गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं नकली लालू की, जो आजकल लालू यादव की आवाज निकालकर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं।
नकली लालू को तेजस्वी यादव ने ही अपने आवास पर आने का न्योता दिया था। नकली लालू ने बिहार में बाढ़ की स्थिति पर लालू के अंदाज में नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटना में मेडिकल अफसर की नौकरी के लिए निकाली गई रिक्तियां। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और जनरल मेडिकल ऑफिसर के लिए कुल 6,437 पदों के लिए नियुक्तियां निकाली हैं। स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर के लिए योग्यता MBBS की डिग्री है, वहीं जनरल मेडिकल अफसर के लिए MBBS, MSMD, PG डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार 18 अक्टूबर तक इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। हॉस्पिटल निर्माण की रफ्तार को देख भड़के मंत्री। भागलपुर के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे केंद्रीय सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे थे, मगर अस्पताल निर्माण की धीमी रफ्तार को देखते हुए मंत्री जी भड़क उठे। इसके साथ ही एक सप्ताह के अंदर अस्पताल निर्माण से जुड़ी सारी रिपोर्ट्स की भी मांग की है। दरअसल मंत्री जी के अनुसार इस अस्पताल को 2021 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत निर्माण कार्य किसी भी हाल में 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए। राजद 2020 चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा। खादी भंडार प्रांगण में राजद के सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर तिरुपति यादव ने साफ कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव राजद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी 60% अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। संगठन में हर बूथ पर 4 सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। पार्टी में दलित अत्यंत पिछड़ी जाति को भी विशेष रूप से जगह दिया जाएगा। खादी वस्त्र धारण करेंगे अब LS कॉलेज के छात्र और शिक्षक। चंपारण सत्याग्रह के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लंगड़ सिंह कॉलेज में अपना कदम रखा था, इसी कारण अब वहां के ड्रेस कोड में खादी वस्त्र शामिल किया गया है। अब परिसर में छात्र और शिक्षक सभी खादी के वस्त्रों में नजर आएंगे। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि महात्मा गांधी की मौजूदगी का एहसास कॉलेज परिसर में सबको रहे। भक्ति पर चढ़ा सियासी रंग, पंडालों में दिखी लालू राबड़ी की मूर्ति। झारखंड के एक पूजा पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी की मूर्ति की भी स्थापना की गई। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर कहा है कि रांची झारखंड के नवयुवक संघ को राजद परिवार तहे दिल से आभार प्रकट करता है कि आपने लालू जी के सामाजिक कार्यों को कला के माध्यम से रेखांकित करने का सराहनीय कार्य किया है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ट्विटर ट्रेंडिंग के टॉप 5 में आए पप्पू यादव। जन अधिकारी पार्टी के मुखिया पप्पू यादव इन दिनों बिहार में हीरो बने हुए हैं। हाल ही में हुए बारिश से घिरे लोगों की मदद में उतरे पप्पू यादव अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। ट्विटर इंडिया पर पप्पू यादव टॉप 5 में हैं। लोग लगातार पप्पू यादव की तस्वीर शेयर कर बिहार वॉन्ट्स पप्पू यादव लिखकर ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। इसी बहाने कई यूजर्स बिहार के अन्य नेताओं पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। जीवा का चश्मा रणवीर सिंह ने चुरा लिया। महेंद्र सिंह धोनी की 4.5 साल की बेटी जीवा ने जब रणवीर के सनग्लास को देखा तो उसे लगा कि रणवीर ने जीवा के चश्मे को पहन रखा है, जिसके बाद वो अपने ऊपर के कमरे में उसे ढूंढने चली गई। लेकिन जब उसे उसका चश्मा वापस मिला तो वो बोली कि मेरा चश्मा मेरे पास है। इस फोटो को माही ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें रणवीर सिंह और धोनी की बेटी जीवा ने एक ही जैसा चश्मा पहना है, जिसे सोशल मीडिया पर फैंस ने काफी पसंद किया है। बेतिया के मनीष कश्यप का वीडियो हो रहा है ट्रेंड। हाल ही में हुए बिहार में बारिश और उसके कारण हुए जलजमाव ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। ऐसे में बेतिया के मनीष कश्यप ने प्रभावित इलाकों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का वीडियो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने देश के बुद्धिजीवियों से काफी सवाल किए हैं। इस वीडियो में मनीष ने कहा कि केरल, चेन्नई और मुंबई में आई बाढ़ की चर्चा चारों ओर रहती है, लेकिन बिहार में जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो सारे लोग मुंह क्यों मोड़ लेते हैं। आपको बता दें, मनीष की इस वीडियो को 7 दिनों के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। प्रस्तावित पटना मेट्रो लाइन की एक बार और की जाए जांच, अजय आलोक। बारिश के कारण पटना के हुए हालात पर सरकार के पक्ष विपक्ष दोनों ही आलोचना करते आए हैं। सब इस बात को मानते हैं कि पटना की यह स्थिति कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है। उसी के मद्देनजर जदयू नेता डॉक्टर अजय आलोक ने पटना में बनने जा रहे मेट्रो के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ट्वीट कर सलाह देते हुए कहा है कि महोदय, कोई भी भरोसेमंद नहीं है, इसीलिए प्रस्तावित मेट्रो लाइन को एक बार फिर से रिविजन करवाइए। त्योहारों के सीजन में बढ़ गई है रसोई गैस की मांग। नवरात्र के मौके पर रसोई गैस की मांग में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है, जिसके कारण एजेंसियों को नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इंडियन ऑयल एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा आपूर्ति सामान्य करने के लिए 3 शिफ्ट में प्लांट पर काम कराया जा रहा है, इसके बावजूद गैस की किल्लत हो गई है। गिरिराज सिंह विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कही ये बात। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने सभी देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना तंज भरा रवैया जारी रखा है। गिरिराज ने ट्वीट कर लिखा है कि सभी देशभक्तों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गिरिराज के सिर्फ देशभक्तों को दिए गए शुभकामना ने सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है।
मुजफ्फरपुर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पीजी का निरीक्षण करने पहुंचे एमसीआई। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पीजी का निरीक्षण करने कर्नाटक से पहुंचे मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के सदस्य डॉक्टर जगल सतीश आश्चर्यचकित हो गए। जांच के बाद उन्होंने प्राचार्य डॉक्टर विकास कुमार, अधीक्षक डॉक्टर एस के शाही और वहां तैनात चिकित्सक के प्रति नाराजगी जताई। टीम के सदस्यों ने चिकित्सकों को एप्रन में नहीं होना देख नियम के विरुद्ध बताया। साथ ही साथ एडमिशन रजिस्टर भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को नहीं दिखाया गया। पर्व त्योहारों को लेकर 24 से 31 अक्टूबर तक के लिए शुरू की गई स्पेशल ट्रेन, जिनमें आनंद विहार टर्मिनल से 04002 भागलपुर तक हर गुरुवार को, नई दिल्ली से बरौनी के लिए 04404 मंगलवार व शुक्रवार को, नई दिल्ली से दरभंगा 04405 प्रत्येक शुक्रवार को, आनंद विहार टर्मिनल से लखनऊ के लिए 04205 सिर्फ गुरुवार को एवं वाराणसी से नई दिल्ली के लिए 04211 गुरुवार को चलेंगी। बिग बॉस 13 में कौन बनेगी क्वीन को लेकर आया ट्विस्ट। बिग बॉस के घर में सभी लड़कियां क्वीन बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही हैं। वहीं लड़कों में सिद्धार्थ शुक्ला व अबू मलिक इस बार घर की क्वीन शहनाज गिल को बनाना चाहते हैं। वहीं बाकी घर वाले इस फैसले के खिलाफ हैं। विराट कोहली ने तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन का खोला राज। कप्तान विराट कोहली अपने टीम के प्रदर्शन से काफी ज्यादा खुश हैं। टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद कोहली ने जमकर गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारी जीत का श्रेय गेंदबाजों को ही जाता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरी पारी में ही खेल का निर्णय होता है, मगर अश्विनी ने पहली ही पारी में 7 विकेट चटकाकर हमें जीत के करीब पहुंचा दिया था। वहीं दूसरी पारी में जडेजा ने जल्दी जल्दी सारे विकेट लेकर हमारी जीत को सुनिश्चित कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।